साढ़े मिनट में चैनल सब्सक्राइब करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो का करते हैं जी आगाज़। तो आज माशाल्लाह मौसम जो है वो काफ़ी ठंडा हुआ है, तो अभी मुझे अपनी हवेली की यहाँ पे जो सारी है वो सफाई करनी है, क्योंकि दो तीन दिन हो गए हैं यहाँ पे सफाई। हमारी बकरी सुई थी तो इसने ये छोटा बकरा दिया हुआ है, और ये जो बड़ा बकरा है ये एक महीने का है। इसकी माँ ने दो बच्चे दिए थे, तो उनमें से एक जो बच्चा है वो मर गया था, उसके पेट में कोई मसला था तो वो मर गया था, और ये अकेला ही था। तो अभी दो तीन दिन पहले बकरी सुई है तो उसने ये छोटा बकरा दिया, तो ये जोड़ी बन गई है, तो ये सारा दिन खेलते रहते हैं। तो माशाल्लाह ये जो हमारी भैंस है ये सोने वाली है, और दो महीनों के बाद माशाल्लाह दूध आ जाएगा घर। तो और एक इधर हमारी छोटी भैंस है, और इसके साथ ये इसका ये बच्चा जो पिछले साल का, और साथ ये हमारी गायें हैं और इसका ये छोटा सा बच्चा है। गर्मियों में हम जो जानवर हैं वो इस बरामदे में बांध देते हैं, और ये आप छत देखें, ये स्लैपों की हमने छत डाली हुई है। तो गर्मियों में चूँकि गर्मी की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा होती है, तो हम जो जानवर हैं वो इस यहाँ बांध देते हैं। लेकिन आज जो मौसम है वो काफ़ी प्यारा है, इधर बादल सारे छाए हुए हैं और रोज़ा भी जो है वो काफ़ी ठंडा हो चुका है। ये हमारे गांव का इंटरनेट कनेक्शन है, यहाँ से हमारे पूरे गांव को जो नेट है वो जाता है, और वो सामने आ गए हमारी मस्जिद है। तो अभी मैं आया हूँ आम के बाग में, और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो पौधों पे किस तरह फल लगा हुआ है, और बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो माशाल्लाह ये देखें इस आम के पौधे पे कितना ज़्यादा फल लगा हुआ है, और ये छोटी छोटी अंबियाँ हैं, और इनको देख के मुझे अपना बचपन याद आ गया कि जब भी हम घर से निकलते थे तो अपनी जेब में नमक और जो मिर्चें हैं वो डाल के निकलते थे, और यहाँ पे चोरी आकर इन आमों से जो अंबियाँ तोड़ के खाते थे। चूँकि आज मेरा रोज़ा है तो आज हम इन अंबियों को तोड़ नहीं सकते और ना ही हम खा सकते हैं, वैसे भी हम अब बड़े हो चुके हैं। तो इन अंबियों को देख के किस किस को अपना बचपन याद आया कि वो किस तरह खाते थे, आपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। तो आज हवा चल रही है काफ़ी तेज़, और जिसकी वजह से ये जो नीचे फल है वो काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ है। काफ़ी तेज़ हवा चल रही है और इसकी वजह से आम के पौधे से काफ़ी जो फल है वो नीचे गिर चुका है। ये सारा फल अभी ज़ाया हो गया और ये किसी काम का नहीं रहा, और इस पौधे के नीचे भी ये देखें काफ़ी फल गिरा हुआ है। तो जब हम छोटे होते थे तो हम ये नमक मिर्च के साथ इनको खाते थे, इसको हम छुरी के ज़रिए काट लेते थे, और इसके अंदर कच्ची इसका जो गुठली होती है और उसको निकाल लेते थे, और उसके अंदर नमक और मिर्चें जो हैं वो भर के हम इसको, जैसे वो बर्गर नहीं लोग खाते इसी तरह हम खाते थे, और बड़ा मज़ा आता था। लेकिन अब वो बचपन के दिन ख़त्म हो चुके हैं। ये देखें नीचे काफ़ी ज़्यादा जो फल है वो गिरा है, और ये गिरकर सारा जो फल है वो ज़ाया हो चुका है। तो माशाल्लाह चूँकि आज का रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है और कुछ दिन ईद में बाकी हैं, तो कुछ मेरे दोस्त और कुछ गांव के लोग जो हैं वो गांव शहर की तरफ गए हुए हैं काम करने के लिए, तो आजकल वो वापस आ रहे हैं अपने घरों की तरफ। तो शहरों के करीब जितने भी गांव हैं ना, वहाँ पे आजकल जो चोरी है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो जैसे ही रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू हुआ है तो चोरी का जो सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो जो दोस्त मेरे बाहर काम करने के सिलसिले में गए हुए हैं तो वो घरों की तरफ वापस आ रहे हैं, तो मैं उनको ये बात बताना चाहता हूँ कि ज़्यादा कोशिश करें कि आप शाम से पहले घर आ जाएं, क्योंकि शाम के फ़ौरन बाद चोरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है हमारे गांव में। तो यहाँ पे दो से तीन दिन पहले भी चोरी हुई है और कल भी चोरी हुई।
तो इसके साथ आज की वीडियो करते हैं जी एंड। तो जो मेरे नए दोस्त हैं उनका मैं वेलकम करता हूं, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, खुदा हाफिज़।